हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रोसेस मिक्सिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पिक्सल लैब में अनलिमिटेड फॉन्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। आप उसमें अपना मनचाहा अनलिमिटेड फॉन्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप पिक्सल लैब में कुछ भी लिखते होंगे तो आपको यहाँ पर पिक्सल लैब ऐप में पहले से ही कुछ फॉन्ट दिया हुआ है, आप इसे ही यूज कर सकते हैं। लेकिन आज के ये वीडियो देखने के बाद आप अपना मनचाहा अनलिमिटेड फॉन्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं माय फॉन्ट्स में जाकर। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र ऐप को ओपन करना होगा, या आप कोई और ब्राउज़र का भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सर्च बार में गूगल फॉन्ट टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पर गूगल फॉन्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। गूगल फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां पर अलग अलग भाषा में भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे अरबिक, बंगाली। अगर आप हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां पर देवनागरी पर क्लिक करना होगा। आपको जो फॉन्ट डाउनलोड करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं ये फॉन्ट डाउनलोड करना चाहता हूं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सिंपली फॉन्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लाइट 300, लाइट 300 इटैलिक, रेगुलर 400, रेगुलर 400 इटैलिक, बोल्ड 700, बोल्ड 700 इटैलिक। आपको यहां पर सभी प्रकार के फॉन्ट मिल जाएंगे। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, आप सिलेक्ट दिस स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, रिमूव दिस स्टाइल। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाना है और आपको यहाँ पर इसके ऊपर प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सबसे नीचे में डाउनलोड फैमिली करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड फैमिली पर। जैसे ही डाउनलोड फैमिली पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड कम्प्लीट। दोस्तों, मैं आपको एक हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करके बता देता हूं। तो आपको इस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको यहां पर देवनागरी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। आप देवनागरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे हिंदी फॉन्ट यहां पर आ जाएंगे। आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। मुझे ये वाला डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करना है। आपको यहाँ से भी आप बोल्ड में, रेगुलर में और मीडियम में जैसा आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर मीडियम में डाउनलोड करना है, ये वाला मीडियम 500। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको फिर से सबसे ऊपर में यहाँ पर आ जाना है और आपको इस प्लस वाले पर फिर से क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इससे पहले जो भी फ़ोन डाउनलोड किए हैं वो ऊपर में आ जाएगा। और यहाँ पर ये अभी जो आप मैंने सेलेक्ट किया था मीडियम 500, ये नीचे आ गया है। तो मैं ऊपर वाला डाउनलोड कर चुका हूँ। तो सिंपली आपको इस माइनस वाले पर क्लिक करके इसे आपको हटा देना है। उसके बाद ये मीडियम 500 आ गया तो आपको फिर से डाउनलोड फैमिली पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड फैमिली पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ोन तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, टेको जिप, ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है। दोस्तों, आप जो फ़ोन डाउनलोड किए हैं वो आपके फाइल मैनेजर में चला गया होगा। सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप जो भी फाइल में डाउनलोड किए हैं आपको उस फाइल पर क्लिक करना है। मेरा अभी जो फ़ोन डाउनलोड हुआ है वो डाउनलोड फाइल में आ गया है। आपको उस फाइल पर क्लिक करना है जिस भी फाइल में आपका डाउनलोड हो गया है। आप देख सकते हैं मैं ये अभी ये डाउनलोड किया हूँ, हिंदी फ़ोन टेको जिप नाम से फाइल है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक्सट्रेट हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पहले से ही बहुत सारे फॉन्ट और डाउनलोड किया हूँ और आपको उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है और एक्सट्रेट हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर ए बी फॉन्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर माय फॉन्ट पर क्लिक करना है। आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है।
मेरा फ़ोन डाउनलोड हुआ था वो डाउनलोड फाइल में चला गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और आप जितने भी फ़ोन को एक्सट्रेट हेयर किए होंगे तो वो यहाँ पर आपके सारे शो करेंगे। दोस्तों आपको सभी को टिक कर देना है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड सेलेक्टेड पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों ये फ़ोन मेरा ऐड हो चुका है, मैं यहाँ पर से किसी का भी यूज कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये यूज करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप फ़ोन का स्टाइल बदल गया है। अब मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। आपको फिर से माई फोन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको फाइल पर क्लिक करना होगा, प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, फिर से आपको जिस फाइल में आपका फ़ोन है उस पर आपको क्लिक करना है। और मैंने ये हिंदी फ़ोन डाउनलोड किया था टेक को, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और आपको यहाँ पर ऐड डिक्शनरी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है हिंदी फ़ोन, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा बोल्ड हो चुका है। आप भी इसी तरह से बहुत सारे फ़ोन डाउनलोड करके पिक्सल लैब ऐप में ऐड कर सकते हैं, और अपने फ़ोटो एडिटिंग करते समय आप इस फ़ोन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।